नमस्कार। आज स्टैटिस्टिक्स में हम आपसे क्रिस्कल वॉलेस वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। क्रिस्कल वॉलेस क्योंकि इन्होंने क्रिस्कल वॉलेस ने ये टेस्ट दिया था इसलिए इसका नाम क्रिस्कल वॉलेस है, और वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से अनोवा होता है, वन वे अनोवा होता है, उसका ये सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को, ये टेस्ट जो है बेसिकली मैन विटनी यू टेस्ट का एक्सटेंशन है, जैसे टी टेस्ट का एक्सटेंशन एनोवा एक तरीके से, उसी तरीके से मैन विटनी यू टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक का टी टेस्ट का सब्स्टिट्यूट है, तो इसी का एक्सटेंशन है। तो ये वन वे एनोवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब हम यू टेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो दो समूहों के बीच में तुलना करते हैं, ठीक है। जब मैन विट या ये एच टेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम दो से अधिक समूहों के बीच में तुलना कर सकते हैं, इसलिए वन वे अनोवा के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये जो वन वे अनोवा है पैरामेट्रिक में, उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। इसको क्रिस्कल वॉलेस एच टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एच की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, इसलिए एच टेस्ट भी कहते हैं इसको। और इस टेस्ट को कैसे लगाते हैं तो आइए स्टेप्स देखते हैं इसके क्या हैं। तो इसका पहला स्टेप है मेक ए कंबाइंड ग्रुप, कि जो तीन समूह हैं उनका तीनों का पहले कंबाइंड ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। तीनों को मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए आपस में, मत मिलाइए यहीं पर टेबल में ही आप रखे रहने दीजिए, लेकिन रैंकिंग आपको कंबाइंड करनी पड़ेगी। फिर ठीक है, कंबाइंड ग्रुप बनाने के बाद आप क्या करेंगे, असाइन रैंक असाइन करेंगे। इन तीनों समूह में जो सबसे छोटा है उसको पहला रैंक दीजिए, जो सबसे बड़ा स्कोर है उसको आखिरी रैंक दीजिए, और इस तरीके से आप इनको रैंक असाइन कर दीजिए, ठीक है। फिर पहले समूह का जो रैंक्स का टोटल लगा लीजिए तो सिग्मा आर वन आ जाएगा, दूसरे समूह का रैंक्स का टोटल सिग्मा आर टू आ जाएगा, तीसरे समूह का रैंक्स का टोटल सिग्मा आर थ्री आ जाएगा। जितने समूह है सबका सिग्मा आर निकाल लीजिए। उसके बाद फॉर्मूले में ये फॉर्मूला लिखा है, इससे एच वैल्यू की गणना कीजिए, ठीक है। एच वैल्यू की गणना करने के बाद फिर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, है ना। अगर इन समूहों में सभी में पांच या इससे कम आवृत्ति है, मतलब कि एन है पांच या इससे कम है एन, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एच टेबल देखेंगे। एच टेबल इसी क्रिस्कल वॉलेस एच टेबल के नाम से स्टैटिस्टिक्स की किताबों में पीछे टेबल दी रहती है, और उसमें एन जो है अलग तीनों समूहों के, पहले समूह का एन, दूसरे का, तीसरे का, तो एन वन एन टू एन थ्री, है ना, पांच आपके जितने भी हैं, पांच चार तीन है तो पांच चार तीन पे देखेंगे, है ना। और जैसे भी हैं उसके हिसाब से, जैसे आप कहें हैं तो आप टेबल में वैल्यूज देखेंगे, और अगर टेबल वैल्यू से एच की वैल्यू, है ना, या तो जो टेबल वैल्यू है उतनी या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर अधिक है तो सिग्निफिकेंट है, और उससे कम है तो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अगर टेबल वैल्यू या उससे कम वैल्यू अगर हमें मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतर सार्थक नहीं है, और अगर उससे ज्यादा उतनी या उससे ज्यादा मिलती है तो अंतर सार्थक होता है। अगर सभी सेल्स में या किसी भी एक सेल में एन पांच से अधिक होता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ऐसे में क्या करते हैं कि एच टेबल देखने के बजाय काई स्क्वायर की टेबल देखते हैं, ठीक है। काई स्क्वायर की टेबल आपको मालूम है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखी जाती है, और काई स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है के माइनस वन। तो जितने समूह होते हैं उन समूहों में से, तीन समूह है तो थ्री माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा, के थ्री हो जाएगा माइनस वन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू हो जाएगी। तो इस केस में हम दो की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे, और काई स्क्वायर की जो वैल्यू है, जैसे काई स्क्वायर में इंटरप्रेट किया जाता है वैसे इसमें इंटरप्रेट करते हैं, टेबल वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा है तो अंतर सिग्निफिकेंट है, और टेबल वैल्यू से कम है तो अंतर असार्थक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच की गणना के लिए बारह बटे एन इंटू एन प्लस वन, यहाँ एन कैपिटल एन का मतलब होता है सम ऑफ एन ऑफ ऑल ग्रुप्स, है ना। तीन समूह है तो तीनों समूहों का एन वन एन टू एन थ्री जोड़ दीजिए तो एन आ जाएगा। ऐसे सिग्मा आर वन रैंक्स पहले समूह का रैंक का योग का स्क्वायर अपॉन पहले समूह का एन, फिर दूसरे समूह के सिग्मा आर रैंक का इसका योग और उसका स्क्वायर बटे दूसरे समूह का एन, फिर ऐसे ही तीसरे और चौथे समूह जितने हैं उन सबका हम निकाल लेंगे, माइनस थ्री एन प्लस वन, एन वही है जो यहाँ पे वैल्यू ली थी, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। और एच की वैल्यू का इंटरप्रिटेशन इस आधार पे होगा, अगर छोटे समूह के केस में हम एच टेबल देखते हैं और बड़े समूहों के केस में हम
काई स्क्वायर टेबल देखते हैं। इस प्रकार से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, छोटे समूह में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, वो बड़े समूह में, ठीक है। यहाँ पे बड़ा समूह क्या माना जाता है, एन की वैल्यू किसी भी समूह में पांच से अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसमें एन छ है, वो पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच एन है, इसमें आठ है एन और इसमें छ एन है, मतलब इतने स्कोर्स हैं ये, तो ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री। अब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं क्या तीनों समूह एक ही जनसंख्या से रेंडमली छांटे गए हैं, या तीनों समूह एक ही जनसंख्या एक जैसी जनसंख्या से रेंडमली छांटे गए हैं, ये हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं, या छांटे नहीं गए हैं ये भी टेस्ट हो जाएगी वाइस वर्सा। तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे, एच की गणना करनी होगी। तो एच की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें रैंक असाइन करना पड़ेगा। तो इन तीनों में सबसे छोटा जो स्कोर है उसको पहला रैंक दे दीजिए, फिर उसके बाद जो उसके बड़ा है तो दो दे दीजिए, उससे बड़ा है तो तीन दे दीजिए, और ऐसे रैंक देते चले जाइए, है ना। जैसे हम मैन विटनी यू टेस्ट के लिए रैंक देते हैं, वैसे इसमें भी हम रैंक देते हैं। और आखिरी जो सबसे बड़ा स्कोर है, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा स्कोर 35 है और ये कुल मिला के 19 है, तो इसको 19वां रैंक मिला। तो इस प्रकार से हमने रैंक दे दिए। पहले समूह का सिग्मा आर वन निकाल लिया, दूसरे समूह का सिग्मा आर वन निकाल लिया, उस आर टू निकाल लिया, तीसरे समूह का सिग्मा आर थ्री निकाल लिया। ये निकालने के बाद फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखिए 12 अपॉन ये देखिए एन एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, तो एन की वैल्यू 19 है, 5, 8, 13 और 6, 19, तो 19 × 19+1, ठीक है। फिर सिग्मा आर आई अपॉन एन आई, सिग्मा आर आई का मतलब पहले समूह का सम ऑफ रैंक्स, तो पहले समूह का सम ऑफ रैंक 34 है, 34 का स्क्वायर हो गया अपॉन इसका एन 5 है, दूसरे समूह का सम ऑफ रैंक 105 है तो 105 का स्क्वायर हो गया, दूसरे समूह का एन 8 है तो 8 आ गया, तीसरे समूह का सिग्मा आर स्क्वायर 51 सिग्मा आर 51 है, 51 का स्क्वायर हो गया बटे 6, फिर 3 और एन प्लस 1 तो 3 × 19+1 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम अब रह गई, इसको सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आएगी 4.51। अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसको इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, काई स्क्वायर टेबल देख करके, क्योंकि यहाँ पे एन 5 से अधिक है, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेबल में अगर आप देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 क्या होगी, K-1, तीन समूह है, तीन में से एक घटाए तो K-1 या 3-1 = 2, 2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 लेवल पे हमें वैल्यू मिली 5.99, ठीक है, और 0.01 पे मिली हमें 9.21। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 4.5 है, ये दोनों वैल्यू से कम है, इसका मतलब हमारा जो ये एच वैल्यू है ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ये तीनों समूह में अंतर सार्थक नहीं है, तीनों समूह एक ही समिष्टि या जनसंख्या से लिए गए हैं या एक जैसी जनसंख्या से रेंडमली छांटे गए हैं। ये हमारा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो जाएगा या हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हो जाएगी। इस प्रकार से हम जहां पर एनोवा के अजम्पशंस पूरे नहीं हो पा रहे हों वहां पे हम एच टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में पैरामेट्रिक एनोवा का ये सब्स्टिट्यूट है या बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। थैंक यू वेरी मच।